अभी रिसेंटली ही फायरबोल्ट ब्रांड ने अपने नए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, और आप लोगों के मुझे काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि हमें रिव्यू करना चाहिए फायरबोल्ट फायरपॉड्स पोलारिस ईएनसी 701 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को। नाम इतना लंबा चौड़ा रखा है इन्होंने। इसका प्राइसिंग है अप्रॉक्सिमेटली 2000 रुपीज, और मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। कल रात को ही मेरे पास ये आए थे, और रात से बैठ के बिल्कुल इसके प्रॉपर तरीके से ग्रिलिंग कर रहा हूँ, सारे टेस्ट कर चुका हूँ अच्छे तरीके से। एक एक माइन्यूट डिटेलिंग आप चेक कर पाएंगे इस वीडियो में, ताकि वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर पाए कि ये कितना वर्दी प्रोडक्ट है। So hope you like this one, and if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So let's get started. तो यहाँ पे आपको फायरबोल्ट फायरपॉड्स पोलारिस ईएनसी 701 टीडब्ल्यूएस का ऐसा बिल्कुल डिसेंट सा बॉक्स मिलेगा। बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे कुछ पेपर वर्क मिल जाएंगे, इसका आपको कुछ वारंटी कार्ड और कूपन कोड्स मिलने वाले हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे मिल जाएगा यूजर मैनुअल, इसमें आपको पूरी प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी कैसे एक्जैक्टली टच कंट्रोल्स वर्क करते हैं, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एक टाइप सी का चार्जिंग केबल, और साथ ही में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाएंगे, अपने कानों के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द ईयरबड्स केस यू विल बी गेटिंग, एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर अच्छा रबर फिनिश का ईयरबड्स का केस मिलने वाला है, काफी प्रीमियम क्वालिटी लग रही है केस की। एंड नीचे आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, एंड ऐसा कोई डेडिकेटेड बटन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन काफी कॉम्पैक्ट है, पॉकेट में आराम से कैरी कर पाएंगे, पोर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड सिंपली हम केस को ओपन करेंगे, दोनों ही बड्स प्रॉपर तरीके से पैक्ड है, यहाँ पे लेफ्ट राइट साफ साफ मेंशन यहाँ पे किया गया है बड्स की तरफ से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में आपको एलईडी लाइट्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा, काफी यहाँ पे अट्रैक्टिव लाइट्स दी गई, प्लेसमेंट आपको प्रॉपर मिल जाएगा। एंड इसमें यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर मैग्नेट्स भी मिल जाएंगे, जो बड्स है केस से बिल्कुल गिरेंगे नहीं, यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर होल भी मिलने वाला है। और इसमें आपको सुपर सिंक टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली आप ईयरबड से केस को ओपन करेंगे, जो लास्ट पेयर डिवाइस है यहाँ पे क्विकली कनेक्शन हो जाएगा। एंड इसको आपको डिस्कनेक्ट करना है, तो इस ईयरबड से केस को आप वापस बंद कर देंगे, तो हल्का सा यहाँ पे थोड़ा डिले लग सकता है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से इसका डिस्कनेक्शन भी हो जाएगा। इस तरीके से इसका इंस्टेंट वीक एंड पे टेक्नोलॉजी वर्क करता है। एंड बड्स यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टैम शेप के मिल जाएंगे, एंड बड्स में भी यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर रबर फिनिश दिया गया है, काफी अच्छा लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड लेफ्ट राइट यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है दोनों ही बड्स में। एंड अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे अपने कानों के साइज के हिसाब से, कानों को सही तरीके से लॉक कर देंगे, बिल्कुल आपको बेसिक अच्छा लुक एंड फील भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अगर आप वर्कआउट्स करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, कितनी बार हार्ड कोर एक्सरसाइज करेंगे, कानों से बिल्कुल ये गिरेंगे नहीं, सिक्योर आपको फिट भी मिलने वाला है। फुल टच कंट्रोल्स इसमें आपको मिल जाएंगे, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.1, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, सुपर सिंक टेक्नोलॉजी फॉर फास्ट पेयरिंग। इसमें आपको चार माइक्स मिलेंगे टोटल विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड मिलेगा, एम्बिएंट मोड मिल जाएगा, साथ ही में इसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिल जाएगा, फुल टच कंट्रोल्स के साथ ही आता है, और इसमें आपको RGB लाइट्स का सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड इसमें आपको 5 से 6 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और वो डिपेंड करता है कि आप ANC मोड में म्यूजिक सुन रहे हैं, बिना ANC के सुन रहे हैं। और ईयरबड्स को आप टोटल 4 बार फुली चार्ज कर सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 20 मिनट्स के चार्जिंग में आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का प्ले टाइम मिल सकता है। सो यार देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसको आप डेफिनेटली बोल सकते हैं फीचरिस्टिक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, इसमें आपको बिल्कुल फीचर्स भर भर के मिलने वाले हैं, और इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी तक इंप्रेसिव लग गई। बिल्कुल आपको यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल यूज किया गया केस में और बड्स में, जो कि मुझे काफी तक इसकी प्रीमियम क्वालिटी लगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बात करेंगे इसके टच कंट्रोल्स की, इसमें आपको फुल टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं ओवरव्यू ले लीजिए। अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से अगर आप सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो म्यूजिक पॉज होगा। लेफ्ट ईयरबड को अगर आप डबल टैप करेंगे तो ये प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा, राइट ईयरबड को अगर आप डबल टैप करेंगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा। एंड वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए क्या करना है, आपको जो लेफ्ट ईयरबड है अगर आप उसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपकी जो वॉल्यूम है यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी, एंड अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करनी है राइट ईयरबड को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। एंड अगर आप लेफ्ट ईयरबड को ट्रिपल टैप करेंगे तो वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, उस हिसाब से आप कमांड दे सकते हैं। राइट ईयरबड को अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे तो ये गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा, फिर से अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे राइट ईयरबड को तो ये म्यूजिक मोड में एंटर कर जाएगा। एंड किसी का कॉल आ रहा है आपको एक्सेप्ट करना है, किसी भी ईयरबड को अगर आप सिंगल टैप करेंगे तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। एंड किसी का कॉल आ रहा है अगर आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है, किसी भी ईयरबड को अगर आप 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा।
और अगर आप किसी भी एयरपैड को चार बार टैप करेंगे तो ये ANC मोड में स्विच कर जाएगा, फिर से अगर आप किसी भी एयरपैड को चार बार टैप करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी मोड में आ जाएगा, फिर चार बार टैप करेंगे तो ये म्यूजिक मोड में आ जाएगा नॉर्मल मोड में। और इसका जो ANC मोड दिया गया है सही तरीके से वर्क करता है, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा परफेक्शन बोलते ना ANC फीचर को लेकर, हल्की फुल्की मुझे मिसिंग लगी। आप बोल सकते हैं 85% तक ये बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कर देगा, लेकिन हाँ फिर भी आपको 10-15% पता चलेगा एक्जैक्टली आपके बारे में एक्टिविटीज क्या हो रही है, सामने आपके कोई खड़ा है, आप कुछ बोल रहे हैं तो आप सुन पाएंगे हल्के हल्के तरीके से। सो ANC फीचर मेरे को बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं लगा, हाँ आपको फिर भी डिसेंट मिल जाएगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बात करेंगे इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की, अब हम करेंगे गेमिंग टेस्ट VGMI का, फिर हम डिसाइड करेंगे इससे आपको लेटेंसी कितनी मिलने वाली है। सो मैंने OnePlus 9R में गेम मोड ऑन करके इसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाएगा, मैंने खेला BGMI, इसमें आपको यार माइन्यूट सा कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लैग देखने को मिल सकता है, बिल्कुल परफेक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हाँ जो इनऑडियो एक्सपीरियंस है वो आपको सही मिल जाएगा, अच्छी आपको लाउडनेस मिल जाएगी गेमिंग के टाइम पे, लेकिन आपको माइन्यूट सा थोड़ा सा बिल्कुल ना के बारे आप बोल सकते हैं हल्का फुल्का डिले लग सकता है गेमिंग के टाइम पे, लेकिन मैनेजेबल है। अगर आप हार्डकोर गेमर है तो आप दूसरा कोई ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप हैवी गेम्स भी खेलते हैं इसको आप डेफिनेटली अच्छी गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, थैंक यू। इसमें आपको 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, लाउडनेस आपको अच्छी मिल जाएगी, जो क्लैरिटी है वोकल्स पार्ट को लेके फुल वॉल्यूम पे आप डेफिनेटली सुन पाएंगे बिना किसी डिस्टॉर्शन के, ट्रेबल्स भी बिल्कुल आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए वोकल्स को लेके, इंस्ट्रूमेंट के सेपरेशन को लेके, इसमें आपको जो क्लैरिटी है डिटेलिंग है म्यूजिक को उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। इसमें बेस की बात करेंगे, बेस इसमें आपको अच्छा मिलने वाला है, बहुत ज्यादा सराउंडिंग बेस जो बोलते हैं ना पंचीनेस बेस बूस्टेड बेस, आपको लग सकता है कि हाँ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है बेस पार्ट को लेके, लेकिन हाँ जब भी बीट्स आएंगे तो आपको पता चलेगा हाँ प्रॉपर आपको सॉफ्टनेस के साथ आप बोल सकते हैं अच्छे आपको बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा पावरफुल और बूस्टेड बेस इसमें आपको थोड़े बहुत मिसिंग लग सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको डिसेंट अच्छे सॉफ्ट आपको बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जब भी बीट्स आएंगे आपको एक्जेक्टली पता चल जाएगा हाँ भाई बेस इफेक्ट्स आ रहे हैं। बात करेंगे इसे कॉलिंग की, इसमें आपको चार माइक्स मिलने वाले हैं, दो दो माइक्स आपको दोनों ईयरबड्स में मिल जाएंगे विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर। मैंने फ्रेंड से बातें की थी आउटर कंडीशन में, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आपको अंदाजा लग जाएगा कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है इससे। हाय सिद्धांत, कैसे हो यार? मैं बढ़िया भैया। बढ़िया यार, अभी ना फायरबोल्ट ब्रांड की तरफ से एक ANC ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च हुए हैं। मैं उनसे लगा के अपनी आउटर कंडीशन में बातचीत कर रहा हूँ आपसे। आपको मेरी आवाज कैसी आ रही है? बढ़िया, आपकी आवाज लाउड और क्लियर आ रही है। अच्छा, लाउडनेस है अच्छी आवाज में? हाँ बढ़िया आवाज। और यहाँ पे विंड नॉइस, यहाँ पे बैकग्राउंड एक्टिविटी आपको पता चल रही है एक्चुअली क्या हो रही है? थोड़ी बहुत पता लग रही है पीछे की, मतलब कितनी क्लैरिटी है मेरी आवाज पे परसेंटेज बोले तो? आपकी 85-90% क्लियर है। अच्छा, ओवरऑल कॉलिंग कैसी है इसकी? कॉलिंग बढ़िया है। ओके सिद्धांत, थैंक यू। यार इसका ANC फीचर जो कॉर्ड माइक का सेटअप है बिल्कुल सही तरीके से वर्क करता है, मैं आउटर कंडीशन में था, बैकग्राउंड में काफी एक्टिविटीज भी हो रही थी, लेकिन सामने वाले को फिर भी मेरी आवाज 80-90% सुनाई दे रही थी। इस अगर आपको बिल्कुल लाउडनेस चाहिए कॉलिंग पार्ट को लेके, सामने वाला बोला था लाउड आवाज भी आ रही है और क्लैरिटी के साथ सुनाई दे रहा था, इसको आप डेफिनेटली अच्छी कॉलिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। कॉलिंग पार्ट को लेकर मैं काफी तक इंप्रेस हुआ इन ईयरबड्स के। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। सो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 8 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 9 out of 10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 8.5 out of 10। दीस आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स अप्रॉक्सिमेटली 2000 rupees। सो यार घूम फिर के जो फायरबोल्ट ब्रांड ने इनिशिएटिव लिया है ईयरबड्स के सेक्शन में एंटर करने का, मेरे हिसाब से बिल्कुल वैल्यूएबल है, मार्केट को बिल्कुल टक्कर दे रहा है, कम प्राइसिंग में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि सही तरीके से वर्क करते हैं। इसमें आपको बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी, सिक्योर कानों में फिट मिल जाएगा, ANC फीचर थोड़ा सा हल्का फुल्का बैटर में जितना ज्यादा मजा आता, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका ANC फीचर भी सही तरीके से वर्क करता है, अच्छी लाउडनेस मिल जाएगी म्यूजिक पार्ट को लेके, क्लैरिटी के साथ प्रॉपर आपको बिल्कुल सॉफ्ट बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे अच्छे से, गेमिंग आपको अच्छी मिल जाएगी, कॉलिंग आपको परफेक्ट मिल जाएगी। मेरे हिसाब से वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, मैंने आपको सब प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका है। मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पर, वहां पे जाकर आप चेकआउट करके इनको ग्रैब भी कर सकते हैं। अभी भी आपको कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च, नाम पढ़ना पड़ेगा इसका, Firebolt Firepods Polaris ANC 701 True Wireless Earbuds. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one, and see you in the next video. Thank you.